पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, जयपुर सांसद रामचंद्र चरण बोहरा सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रणब मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब का कल देहावसान हुआ। पूरा देश शोकाकुल है और आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कल से ही देश और दुनिया में प्रणब दा के नहीं रहने की खबर मिलने के बाद जिस तरीके से उनके नहीं रहने को लोगों ने अपने संस्मरणों से और अनेक अवसरों पर उनको जब सुना और देखा उसको बयान किया, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सांसद रहते हुए सांसद के रूप में भी गरिमा प्रदान की और विदेश और वित्त मंत्रालय के नाते उन्होंने जो काम किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। आज पूरे भारतवर्ष में हमारे पूर्व राष्ट्रपति जिनको प्रणोदा के नाम से भी जाना जाता है हम सब के बीच में नहीं रहे। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रणोदा काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रहे और निष्पक्ष रूप से जिस तरह से उनकी जीवन शैली में उन्होंने काम किया आज हर भारतीय को उस पर गर्व है। मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।